वैसे तो रमेश सिप्पी की शान फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद थे, लेकिन उस फिल्म में एक ऐसा भी किरदार था जिसे निभाकर बॉलीवुड में काफी नाम कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक किरदार था अब्दुल, जिसे मजहर खान ने निभाया था, और इस फिल्म में नाम अब्दुल है मेरा गाना मजहर खान पर फिल्माया गया था। मजहर खान ने बॉलीवुड में तो कुछ खास पहचान नहीं बना पाए और पूरी दुनिया उन्हें जीनत अमान के पति के तौर पर ही जानती रही। आज इस खास वीडियो में हम आपको मजहर खान के लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 1979 में आई फिल्म संपर्क से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मजहर खान ने 10 साल में 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। मजहर खान को लोग आज भी रमेश सिप्पी की फिल्म शान के उस किरदार से जानते हैं जिसका रोल तो भिखारी था लेकिन काम बड़ा था। इस फिल्म में उन्हें यह किरदार कैसे मिला, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। मजहर खान दिल्ली के एक डिस्को नाइट क्लब में हनी ईरानी और जावेद अख्तर को मिले थे। हनी ने मजहर खान का परिचय जावेद अख्तर से करवाया। जावेद अख्तर ने मजहर खान से कहा कि अगर वो फिल्म करना चाहते हैं तो अपनी कुछ तस्वीरें मुंबई आकर उनके दफ्तर में छोड़ दें। उस जमाने में ऐसा ही होता था। उस समय ना तो कोई ईमेल था और न ही आज की तरह सोशल मीडिया। मजहर खान ने ऐसा ही किया। इसके कुछ महीनों के बाद दोनों की मुलाकात फिर से एक पार्टी में हो गई। तब जावेद अख्तर ने मजहर खान को बताया कि रमेश सिप्पी ने उनकी तस्वीरें देख ली हैं और वो उन्हें काम देना चाहते हैं। सलीम जावेद की जोड़ी हिट थी। शोले के बाद उन्होंने शान की कहानी लिखी थी और इसी दौरान मजहर खान से जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर रहा। रमेश सिप्पी इस फिल्म में सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, प्रवीण बाबी, बिंदिया गोस्वामी और कुलभूषण खरमंदा काम कर रहे थे। जिन्होंने भी यह फिल्म देखी वो जानते हैं कि इस फिल्म का मुख्य खलनायक शकाल था, जिसका किरदार कुलभूषण खरमंदा ने निभाया था। लेकिन जिन दिनों ये फिल्म बन रही थी, बहुत से लोगों को ये धोखा हो गया था कि फिल्म में मजहर खान मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। लोगों का मानना था कि रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में अमजद खान खलनायक थे, इसलिए रमेश सिप्पी एक बार फिर से अपने इस फिल्म में भी एक और खान को खलनायक के रूप में लॉन्च करने जा रहे हैं। मजहर खान की अगर फिल्मग्राफी को देखा जाए तो रमेश सिप्पी की फिल्म शान उनकी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और इस फिल्म से भी कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं। एक किस्सा यह भी मशहूर रहा कि मजहर खान से पहले उनका किरदार संजीव कुमार को मिल रहा था। अगर शुरुआत से बताएं तो रमेश सिप्पी यही चाहते थे कि संजीव कुमार फिल्म में ये किरदार निभाएं जो सुनील दत्त ने निभाया है। पहले तो संजीव कुमार तैयार हो गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शोले के बाद उनसे और रमेश सिप्पी से दर्शकों को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होंगी, इसलिए यह किरदार उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। तब रमेश ने उन्हें अब्दुल का किरदार ऑफर किया। संजीव कुमार को लगा कि ऐसा किरदार फिल्म में काम करने से क्या फायदा जो इंटरवल से पहले ही खत्म हो जाता है, और इस तरह से एक किरदार मजहर खान के हिस्से आ गया। साल 1981 में आई फिल्म रूही को मजहर खान ने अपने बयान में अपने करियर की बहुत बड़ी गलती बताया था। मजहर खान और इस फिल्म की अभिनेत्री जरीना बहाव के बीच एक गहरा रिश्ता पनपने की खबर इस दौरान खूब फैली थी। लोग बताते हैं कि मजहर और जरीना के रिश्ते की अफवाहें फैलाना असल में इस फिल्म को शोहरत दिलाने की एक चाल थी। इसी बहाने इस फिल्म को हिट करने की पब्लिसिटी प्लान की गई थी, जिसके चलते दोनों का नाम तो खास ना हो सका, हाँ दोनों के हिस्से बदनामी जरूर आ गई। मजहर ने अपने करियर की शुरुआत 1979 में की और 1983 में वो एक फिल्म के निर्माता भी बन गए। फिल्म का नाम था बॉम्बे फैंटेसी, और जिन लोगों ने भी इस फिल्म के स्क्रिप्ट देखे हैं वो सब यही मान बैठे कि ये देश की पहली पोर्नोग्राफी फिल्म है। इसके निर्देशक थे पंकज धीर, जिन्होंने बाद में बी आर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का रोल निभाया था। इस फिल्म को करने के बाद मजहर को तमाम कानूनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मजहर खान ने जीनत अमान से शादी की, ये तो दुनिया जानती है, लेकिन उससे पहले वो दिलीप कुमार की भतीजी रूबीना से भी शादी कर चुके थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और हो सकता है कि ये बात भी आपको ना पता हो कि मजहर खान ने उससे भी पहले एक मॉडल हुई नंदिनी सिंह से भी शादी की थी। मजहर को तलाक देने के बाद नंदिनी ने गौतम बैरी से शादी की। गौतम बैरी ने नंदिनी से शादी करने के लिए किरण खैर को तलाक दिया था। किरण खैर जो अब अनुपम खैर की वाइफ हैं, तो आप समझे सिकंदर खैर के पिता कौन हैं? असल में सिकंदर खैर के पिता गौतम बैरी ही हैं। मजहर की दूसरी शादी हुई दिलीप कुमार के भतीजी रूबीना मुमताज से।
मदर से रूबीना की शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी क्योंकि इस रिश्ते में भी हमेशा खटपट बनी रहती थी। हालांकि मजहर का रूबीना से बेटा अजहर है, वो अपनी माँ के साथ ही रहता है। जब अजहर छोटा था तभी उसकी माँ रूबीना उसे लेकर अमेरिका चली गई थी। कहा जाता है कि रूबीना अमेरिका में रहकर पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। हालांकि इस बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। बाद में रूबीना ने संजय नागपाल से शादी कर ली। जिस समय संजय ने रूबीना से शादी की उससे पहले वो मोहनीश बहल की मौजूदा पत्नी एकता सोहनी, जिनका अब नाम आरती बहल भी है, उनसे सगाई कर चुके थे। मजहर खान ने तीसरी शादी रचाई अभिनेत्री जीनत अमान से। जीनत अमान संजय खान से हुई अपनी पिछली शादी भूलना चाहती थी क्योंकि उससे उनकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। जीनत ने मजहर से शादी की लेकिन यहाँ पर भी उन्हें वही जहर पीना पड़ा। मजहर के साथ भी जीनत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। दरअसल दिक्कत ये थी कि मजहर का करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो जीनत को काम नहीं करने देना चाहते थे और इस बीच दोनों के बीच बहुत झगड़े शुरू हो गए। आरोप ये लगा कि मजहर गुस्से में आकर जीनत को पीटा करते थे। जीनत चाहती थी कि वो मजहर से तलाक ले ले, लेकिन बात तलाक तक पहुंचने से पहले ही मजहर खान इस दुनिया को अलविदा कह गए। जीनत अमान ने मजहर से शादी तब की थी जब वो एक सुखी परिवार बसाना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने मजहर से शादी इसलिए की ताकि वो सुकून से रह सके और बच्चे पैदा कर सके। शादी से पहले मजहर उन्हें बहुत ही सज्जन पुरुष लगते थे, लेकिन मजहर का असली चेहरा तो उन्हें शादी के बाद ही नजर आया। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। जीनत अमान ने बताया कि वो उस समय गर्भवती थी, तब उन्हें मजहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मजहर खान उन्हें लेकर इतने बेपरवाह थे कि उस समय वो जीनत के साथ नहीं थे। मजहर खान का करियर अभिनय में तो ज्यादा अच्छा नहीं चला, इसलिए इन्होंने सोचा कि शायद उनका सिक्का फिल्म निर्माण और निर्देशन में चमक जाए, इसलिए इन्होंने जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और कुमार गौरव को लेकर एक फिल्म बनाई। नाम था गैंग। इस एक्शन क्राइम ड्रामा पर उन्होंने साल 1991 में काम करना शुरू किया था, लेकिन उसी समय मजहर की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और वो बीमार रहने लगे। उन्हें किडनी की समस्या शुरू हो गई थी। 1998 में मजहर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मजहर के सहायक रहे मशगूर चौधरी ने इस फिल्म को पूरा करके साल 2000 में रिलीज किया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी है जीनत अमान के पति मजहर खान की लाइफ स्टोरी। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब तक आपने लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों अभी कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।